हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में मैं हूं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं स्टेनो और कोट रीडर का जो एग्ज़ाम है एग्जाम होने के बाद आपका उसमें कार्य कैसा रहेगा किस तरह से आप उसमें काम कर सकते हैं रिज़ल्ट होने के बाद कै कैसे कैसे स्टेजेस का सामना करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और जो दोस्त भाई बंधु चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर कर इसे मजबूती प्रदान कीजिए ओके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ठीक है दोस्तों इसका मैंने कट ऑफ के बारे में बताया था क्या बताया था कि 40 परसेंट सभी पोस्टों के लिए स्टेनो और को ट्रीडर का नोटिफिकेशन आप देखेंगे अच्छे से तो उसमें क्या है कि 40 परसेंट मिनिमम पासिंग मार्क्स है यानी किसी भी कैटेगरी से हैं आप तो आपको 40 परसेंट से ज़्यादा यानी 90 परसेंट का 90 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इसका आपका 40 परसेंट पासिंग मार्क्स लाना होगा पास के लिए उसके बाद देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं चूँकि जिन दोस्तों का 40 परसेंट से ऊपर मार्क्स आ रहा है उनको स्किल टेस्ट इसमें एक होता है ठीक है पीटी के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा स्किल टेस्ट की आपको तैयारी करनी चाहिए किस चीज़ की स्किल टेस्ट की इसमें क्या करना होगा आपको डेली डेली क्या करना है डेली फाइव टाइम्स डिक्टेशन को पढ़ना है डेली बता देते हैं हम आपको डेली फाइव टाइम्स जो डिक्टेशन होता है डिक्टेशन उसको क्या करना है पढ़ना है और लिखना है ठीक है रोज पाँच बार लिखना है और पढ़ना है तभी आप एग्जाम में अच्छा करेंगे बेहतर होगा उसके बाद क्या करना है और ये कैसे करना है रोज़ आपको ये सब जो भी करना है आपको कंप्यूटर पर करना है दोस्तों किस पे करना है कंप्यूटर पे करना है आप कंप्यूटर पे नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे स्किल टेस्ट अच्छा से नहीं हो पाएगा इसलिए स्किल टेस्ट करने के लिए आप कंप्यूटर का सहारा लें आसपास साइबर कैफे होगा या बहुत सारे जो कंप्यूटर क्लासेस होते हैं वहाँ से जाकर आपको रोज़ करना है यह बेहतर सजेशन है इसे इग्नोर नहीं करना है फॉलो कीजिएगा मदद मिलेगा उसके बाद देखिए चूंकि जो आपका स्टेनो की हम बात करें इसमें जो हम स्टेनो की बात करते हैं ये क्या है एक न्यू लैंग्वेज है ठीक है ये न्यू एक न्यू लैंग्वेज है और इसमें क्या होता है देखिए इसमें आपका जो इसका प्रैक्टिस करेंगे ठीक है इसमें ये न्यू लैंग्वेज है और इसमें रोज़ प्रैक्टिस करना है डेली प्रैक्टिस करना है जो लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे उनका रिज़ल्ट कैसा होगा बेहतर होगा रिज़ल्ट और लोगों के मुताबिक बेहतर होगा और क्या करना है इसमें देखिए एक और चीज बताते हैं जो डिक्टेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है ठीक है उसको आउटलाइन डेली करें जो डिक्टेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको डेली आउटलाइन करेंगे आप आउटलाइन नहीं करेंगे तो फिर आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर फंस जाएंगे इसलिए रोज़ जो भी डिक्टेशन होता है उसको आउटलाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और कैसे करना है कंप्यूटर पर करना है इस चीज़ को बेहतर रूप से दिमाग में बैठा लो दोस्त रिजल्ट मंगाना है कोट रीडर और स्टेनो वाले आगे भी बताते हैं देखिए इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा देखिए दो तरह के स्टेन होते हैं आपने देखा होगा कि एसएससी एस एस सी में स्टेनोग्राफर का एस एस सी का एग्जाम लेता है ठीक और एक अभी आपका हो रहा है बिहार सिविल कोर्ट लेगा ठीक है चूँकि जो लेवल वन के जो अधिकारी होते हैं ठीक है लेवल वन बोले तो आई एस आई पी एस ये लोग होते हैं यू पी एस सी क्वालिफाई उनको आपको क्या बनाया जाता है चाहे जज हो गए ठीक है उसको आपको उसका आपको पी ए का कार्य मिलेगा पी ए यानी पर्सनल असिस्टेंट बोला जाता है और पर्सनल असिस्टेंट का काम क्या होता है यानी जो लेवल वन के अधिकारी होते हैं जिसको जो सेंट्रल मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं भारत सरकार के अंतर्गत वो रहते हैं उसका आपको एक ईमेल मिलेगा ईमेल और उसका पासवर्ड चाहे जो एप्लीकेशन होगा उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसी के आधार पर आपको काम करना है ईमेल को देख रेख करना है उस पर क्या डाटा क्रिएट करना है वो ठीक क्योंकि ये बिहार सिविल कोड की है तो हम बिहार सिविल कोड से रिलेटेड बात करते हैं इसमें क्या करना होगा देखिए इसका हम ग्रेड पे की बात करें जो ग्रेड पे है ग्रेड पे यानी ग्रेड पे इसमें देखिए एक बयालीस सौ है एक चौवालीस सौ है और एक छियालीस सौ है इसका मतलब समझ लीजिए इतना है तो मतलब सैलरी जो होगा लगभग साठ या सत्तर के आसपास जाएगा ये इस ग्रेड पे के हिसाब से आप मिला लीजिएगा उसके बाद देखिए सिविल कोर्ट वाले में स्टेनो और कोर्ट रीडर का क्या काम होगा जो जज जो जज साहब होते हैं जो जज होते हैं ठीक है इनका आपको एक फाइल मिलेगा कैसा फाइल वो बेल से संबंधित होगा कैसा बेल से संबंधित होगा और ये इसमें क्या करना होगा जज के साथ आपको काम करना है और बेल का जो फाइल होगा इसी को आपको देखना रहता है इसी को आपको क्या करना रहता है देखना होता है और आपको देखिए बेल देखना रहेगा उसमें एक फाइल मिलेगा उस तरह के फाइल को आपको उसका डिक्टेशन देगा और उस डिक्टेशन को आपको टाइप कर कर फिर आपको जज साहब के सामने प्रिंट कर कर वही देना होता है यही कार्य होता है एस्टेन और कोट रीडर का और इसमें जो भी जैसे डेट या तारीख होता है किसी का बेल होने वाला होता है बेल होने के बाद डेट मिलता है तो जो भी ये सब पूछा जाता है जो जो केस किए के रहते हैं वो आपसे पूछेंगे कि मेरा तारीख कब है तो आपको केस पूछने के लिए बीस रुपये पच्चीस रुपये तीस रुपये ऐसे एक आदमी देना देता है तो इसमें उपरवार बहुत ज़्यादा है दोस्तों उपरवार क्या जज के सामने वो फिक्स है कोई भी जाएगा तो आप पैसा का नहीं काम करेंगे दस रुपये बीस रुपये पच्चीस रुपये ऐसा चार्जेस लगता है आप कोर्ट में जाएंगे जो कंप्यूटर है कोर्ट रीडर पर बैठे रहते हैं सिस्टम पे जज के सामने बगल में वो उनका यही काम है समझ गए ये था क्लियर हो गए यहाँ तक क्या काम करना है यानी सिस्टम पर बैठकर आप लोगों को काम करना है एक मिनट ठीक है दोस्तों समझ गए कैसे काम करना है सिस्टम से संबंधित काम होता है और इसमें आपको बेल फाइल मिलता है बेल फाइल सिस्टम से संबंधित आपको एक ईमेल आईडी यूज़र आई या पासवर्ड जिसको बोलते हैं वो मिलेगा वो आपके देख रेख में होगा आप जज साहब के पीए होंगे पर्सनल असिस्टेंट होंगे उनका उन्हीं के द्वारा दिए गए फाइल को आपको देख रेख करना है काम करना है सिस्टम पे। बेल से संबंधित आपको डिक्टेशन पर ध्यान देना है डिक्टेशन को आउटलाइन करना है और रोज़ कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना है तभी आपकी टाइपिंग जो स्किल टेस्ट है वो बेहतर होगा आप डेली नहीं करेंगे तो फिर छट जाएंगे। इसलिए आपका चालीस से ऊपर मार्क्स आता है तो आपको तैयारी करनी चाहिए ठीक समझ गए उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहिचक कहीं डाउट नहीं हुआ होगा डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट करेंगे अपना सुझाव देंगे ठीक है उम्मीद करते हैं चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ एक अच्छे मोटिवेशन के साथ एक अच्छे क्लास के साथ तब तक के लिए शुभ रात्रि अपना ख्याल रखें और पढ़ाई कीजिए ठीक है वीडियो हम रात में शूट कर रहे हैं